नमस्कार दोस्तों, पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन नंबर 271 से आज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज का ये पार्ट 11 है। इसमें हम पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड जो बुक है उसके क्वेश्चन बैंक के 1700 प्लस क्वेश्चंस हैं और उन सब को हम सीरियल ऑर्डर में करा रहे हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हैं और ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चंस को ही बुक के क्वेश्चन बैंक में शामिल किया है जो रिपीटेडली आगे भी पूछे जा सकते हैं, जो फंडामेंटल टाइप के हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है आज का, यूनिटी ऑफ कमांड इज प्रैक्टिस्ड इन। यूनिटी ऑफ कमांड प्रैक्टिस किया जाता है किस में? ऑप्शन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर फ्लो होना टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन जो होता है उसका पालन किया जाता है और इसलिए ये यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेट है। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। काफी कॉमन क्वेश्चन है और ये पूछा भी कई बार जाता है एग्जाम्स में। सही जवाब है ऑप्शन बी, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स, जिनको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, वो दिए हैं। नेक्स्ट है, टेलर पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ। टेलर ने इनमें से किस चीज का आइडिया दिया, किस आइडिया के वो जनक माने जाते हैं? गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन है पर्पसफुल फोरमैनशिप, मोटिवेशनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप, सोशल फोरमैनशिप। सही जवाब है ऑप्शन सी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप के देने वाले हैं F.W. टेलर। यह एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डे कॉप्स रेफर टू। एक प्रिंसिपल है एस्प्रिट डे कॉप नाम का। ये हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से ही एक प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या है, ये क्या रेफर करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है इंडिविजुअल इज स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है मेंटल एबिलिटी, ऑप्शन डी है इनिशिएटिव। सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। एकता में बल है। एस्प्रिट डे कॉर्प्स का मतलब भी है कि स्प्रिट, कॉपरेशन की स्प्रिट, सहयोग की भावना होना लोगों में, और ये जो भावना होती है वो यूनियन पे बल देती है कि लोगों में यूनिटी हो, हार्मोनाइजेशन हो। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड इन वन प्लान। कौन सा सिद्धांत वन हेड वन प्लान की बात करता है? गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन दिए हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन एंड ऑर्डर। सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि एक डायरेक्शन में काम होना चाहिए और वो तभी होगा जब एक हेड होगा किसी ग्रुप का और उसका ग्रुप का एक प्लान होगा तो उसकी डायरेक्शन एक बनी रहेगी। नेक्स्ट है, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी बी अकम्पनीड विद नेसेसरी। डेलीगेशन को प्रभावी बनाने के लिए, भारार्पण को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जब किसी को सौंपी जाए तो उसके साथ साथ यह भी आवश्यक रूप से सौंपा जाना चाहिए। गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अथॉरिटी। अथॉरिटी जो होती है इसका मतलब होता है पावर, पावर टू टेक डिसीजन, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, अकाउंटेबल होना, जो काम मिला है उसके प्रति जवाबदेह होना। तो जब हम किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, डेलीगेशन में ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को अपनी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन वो तभी कर सकता है सबॉर्डिनेट जब उसको उसके प्रोपोर्शनेट अथॉरिटी भी मिलेगी डिसीजन लेने की। तो ये दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साथ साथ ही चलती हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज लेड डाउन बाय हेनरी फेयोल इज। काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आता है, बार बार आता है एग्जाम्स में भी। ऑप्शन है 12, 14, 16, 29 और सही जवाब है ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट है इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। टेलर के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, कार्यात्मक संगठन में देयर आर 8 फॉरमैन, 8 फोरमैन है। 8 फोरमैन की बात करते हैं वो, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, शॉप डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। उन्होंने पूछा कि ये जो 8 फोरमैन हैं, 8 एक्सपर्ट हैं, विच ऑफ दीज फोरमैन ऑपरेट एट द शॉप लेवल। शॉप लेवल पे कौन से फोरमैन काम करते हैं। दरअसल टेलर का जो फंक्शनल फोरमैनशिप है या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वो सुझाते हैं टोटल 8 एक्सपर्ट। वो कहते हैं कि काम को 2 हिस्सों में पहले बांटा जाना चाहिए। एक डिपार्टमेंट जो है वो प्लान करने का काम करेगा और जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है वो प्रोडक्शन का काम करेगा। प्रोडक्शन शॉप फ्लोर, शॉप लेवल पे होता है, यानी कि फैक्ट्री का हो। तो प्रोडक्शन में भी 4 एक्सपर्ट होंगे और प्लानिंग का काम भी 4 एक्सपर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन चेक कर लें, पॉज कर लें, ट्राई करें, फिर इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ। इसमें इन्होंने फैक्ट्री वाले पूछे हैं, प्रोडक्शन वाले पूछे हैं। तो जो प्रोडक्शन वाले एक्सपर्ट हैं वो कौन कौन, तो इसमें जो 8 के 8 एक्सपर्ट हैं उनका रोल हम जान लेते हैं और उसके आप आसानी से फिर चेक कर सकते हैं। जब जो प्लानिंग का काम होता है तो प्लानिंग में एक जो एक्सपर्ट होते हैं, एक एक्सपर्ट होता है जो प्लान करके बताता है कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। प्लानिंग का काम है, यानी कि काम होने से पहले ये प्लान कर लेता है कि इस काम में इतना टाइम लगना चाहिए, इसमें इतना कॉस्ट लगना चाहिए। जो रूट क्लर्क है वो रूट प्लान बताता है कि किस तरीके से ये काम करना है। रूट क्लर्क रूट बनाता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड बना के देता है। जो लोग काम करने वाले हैं उनको इंस्ट्रक्शन कार्ड मिल जाता है, ये भी प्लानिंग का पार्ट होता है। फिर होता है डिसिप्लिनरियन। जो डिसिप्लिनरियन होता है वो डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ तक तो हुआ प्लान करने का काम। अब जो शॉप लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे काम करते हैं वो कौन करते हैं कि जैसी इंस्ट्रक्शन मिली है, जो टाइम पहले से तय है उसको देखने का काम करता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये चेक करता है उस स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो स्पीड रिक्वायर्ड है। गैंग बॉस ये सब काम करता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखता रहता है कि वो सही से काम कर रहे हैं, उनको राय मशवरा भी देता है गैंग बॉस। इसके बाद जो रिपेयर बॉस होता है, अगर रिपेयर की जरूरत होती है, काम में कहीं कोई दिक्कत होती है, तो रिपेयर बॉस रिपेयर का काम देखता है। और इंस्पेक्टर ओवरऑल इंस्पेक्शन का काम करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है कि नहीं है। तो ये 4 फैक्ट्री लेवल पे काम करते हैं। तो जो फैक्ट्री वाले हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर लें, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो अब इस तरीके से जो सही ऑप्शन इसमें बनेगा वो ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हुआ। ये शॉप लेवल पे काम करते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट हैं। आप चारों स्टेटमेंट को पॉज करके आराम से पढ़ें और ये देखें कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन डी, द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एफर्ट्स वाज द पिग आयरन एक्सपेरिमेंट। पिग आयरन एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा एक एग्जांपल है टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के एफर्ट्स का। ये पिग आयरन एक्सपेरिमेंट क्या था, टेलर ने एक जो जहाँ पे आयरन फाउंड्रीज होती हैं वहां पे देखा पिग आयरन यानी कि रॉ आयरन जो होता है उसको ब्लास्ट की जगह से जो लेबर थी वो उठाकर ले जाती थी अपनी एक कार के जरिए। तो जो सामान उसमें कार में ट्रॉली में जब रख के जाता था तो वह देखता था कि एक जो अच्छा लेबर है वो कितना सामान कैरी करना संभव करता है, कितना ले जाता है पर डे। तो उन्होंने देखा कि एक वर्कर 12 टन पर डे सामान ले जा रहा है। तो एक जो अच्छा वर्कर है वो 12 टन पर डे का सामान लेके जा रहा है, यानी कि रॉ जो आयरन है, पेग आयरन है, उनको उठा के ले जा रहा है ट्रॉली की मदद से, कार की मदद से। तो उन्होंने अपना एनालिसिस किया, साइंटिफिक एनालिसिस किया। तो उन्होंने पाया कि अगर इस पे काम किया जाए, सही तरीके से ले जाया जाए, तो वो 47 टन तक सामान ले जा सकता है। फिर उन्होंने अपना जो एनालिसिस था उस पे काम करना शुरू किया और ऑब्जर्वेशन करके जो लोग थे उनको काम पे लगाया, स्टॉप वॉच वगैरह यूज करी और उनको बताया कि कब आपको उठाना है सामान, कब ले जाना है और कब रेस्ट करना है। इन चीज़ों का उन्होंने प्रयोग करा। जब प्रयोग करा तो उन्होंने एक गुड वर्कर के इसको मटेरियल को जितना वो ले जा रहा था ये 47 टन पे पहुंचा दिया। तो ये काफी अच्छा साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक एग्जांपल माना जाता है जो टेलर ने स्टेब्लिश किया। नेक्स्ट है 280। द प्रिंसिपल दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू ऑबे द कमांड इज नोन एज। क्वेश्चन है कि वो सिद्धांत जो ये कहता है कि हर एक सबऑर्डिनेट का एक सुपीरियर होगा जिसको वो ऑबे करेगा, जिसके आदेश का वो पालन करेगा, ये कौन सा सिद्धांत है? गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन है स्केलर प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, एक्सेप्शन प्रिंसिपल, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, आदेश की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है Which of the following is not a principle of management given by Taylor? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का टेलर ने नहीं दिया है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है साइंस नॉट रूल ऑफ थम, फंक्शनल फोरमैनशिप, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शन बी है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप ये टेक्निक है जो F.W. टेलर ने दी है, तो बी इसका सही जवाब है। बाकी ये तीनों F.W. टेलर के दिए हुए प्रिंसिपल्स में से हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थम, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये प्रिंसिपल्स हैं। तो बी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है विच वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। इनमें से कौन सा हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल है? ऑप्शंस हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का बंटवारा। इससे स्पेशलाइजेशन काम में बढ़ता है। बाकी इनमें से कोई प्रिंसिपल मैनेजमेंट का हेनरी फेयोल का नहीं है। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, F.W. टेलर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय डैश एंड पब्लिश्ड इन ईयर डैश। हमें बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की बुक के ऑथर कौन है और किस ईयर में वो पब्लिश हुई। ऑप्शंस है मैरी पार्कर फॉलेट 1923, माइकल पोर्टर 1992, F.W. टेलर 1911, F.W. टेलर 1917। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, F.W. टेलर 1911 में पब्लिश हुई बुक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। इनमें से कौन सा हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन हैं डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनिटी ऑफ कंट्रोल। यह कोई प्रिंसिपल नहीं है हेनरी फेयोल का। बाकी तीनों प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल ने दिए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक ड्रॉबैक है? गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन है स्लोअरिंग अप ऑफ वर्कर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस, इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स इनिशिएटिव्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर से काफ़ी ज़्यादा काम लिया जाता है, इसलिए ये माना जाता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। बाकी साइंटिफिक मैनेजमेंट का इनमें से कोई ड्रॉबैक नहीं है, तो बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चार स्टेटमेंट है, चारों को पढ़ें और पॉज करके चेक कर लें कौन सा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक ये फोकस्ड हैं वर्कर की एफिशिएंसी पे, जबकि जो फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं वो फोकस्ड है मैनेजरियल एफिशिएंसी पे, यानी कि मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं फेयोल के प्रिंसिपल, जबकि टेलर के प्रिंसिपल वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। जो ऑप्शंस हैं इनमें से चारों को पढ़ लें, देखें पॉज करके कौन सा सही आपको लग रहा है। इनमें सही जवाब है ऑप्शन डी, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव आउटपुट टू द इनपुट रिक्वायर्ड टू अचीव इट, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो इस बात से मापी जाती है कि जो इफेक्टिव आउटपुट है, यानी कि आप कितना आउटपुट दे रहे हैं किसी काम से और उसमें कितने इनपुट्स का यूज करते हैं। जो व्यक्ति आउटपुट जितना ज्यादा देगा, इनपुट जितने कम यूज करेगा, ये एफिशिएंसी रेशियो उतना ज्यादा होगा, यानी कि उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज, विच ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल सपोर्ट दिस व्यू। F.W. टेलर का स्टेटमेंट है ये कि एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी लंबे समय तक नहीं रह सकती है अगर एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो ये जो स्टेटमेंट है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन सा प्रिंसिपल है जो इसको सपोर्ट करता है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब हार्मोनी होनी चाहिए दोनों के बीच में, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये एक डायरेक्ट गिवन स्टेटमेंट है टेलर के इस प्रिंसिपल में एनसीईआरटी की बुक में। नेक्स्ट है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन गिवन बाय, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, सही जवाब है ऑप्शन डी, हेनरी फेयोल। और आगे कंटिन्यू करेंगे आगे के वीडियोस, आप अपने व्यूज इस वीडियो पे जरूर दें और उसी हिसाब से हम आगे वीडियोस को इस तरीके के और भी वीडियोस लाएंगे, कंप्लीट इस सीरीज को कराएंगे ही, इसके साथ साथ अन्य भी जो डिमांड आएंगी उन पे अब हम काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।